हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत। सावंत साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। नो, धन्यवाद सर। हमने पिछली बार देखा कि 2014 में जब आप सांसद बने तो हर मुद्दे पर आपने सक्रियता के साथ जनता की आवाज़ उठाई। बहुत एक्टिव एक सांसद के तौर पर आपको जाना गया, सम्मानित भी किया गया, तो उतने ही एक्टिवली अब मंत्री पद का ग्रहण करेंगे सर, वैसे काम करेंगे। कल प्रश्न पूछते थे, आज उत्तर देना है। तो मुश्किल काम है कि आसान रहेगा? काम कोई ऐसा आसान तो होता ही नहीं और मुश्किल भी नहीं होता। सिर्फ लगन से काम करो और तय कर लो कि जब हम सवाल पूछते थे तो क्या इस सवाल का जवाब मेरे पास था। अगर था तो आज तुझे जवाब देने के लिए अधिकार दिया है, उस अधिकार का इस्तेमाल कर और वो जवाब दे दे। अरविंद जी, हम लंबे समय से आपको फॉलो करते हैं, मिलते रहते हैं। आप कर्मचारी रहे, कर्मचारियों के नेता भी बड़े, पूरे देश भर के कर्मचारियों को आपने अध्यक्षता किया, फिर आप सांसद हो गए, तो ये सफ़र लंबा है, संघर्ष भरा है। उम्मीद थी कि कभी मंत्री बनेंगे ऐसे? नहीं, उम्मीदवारी हम सपने वो देखते नहीं कभी। हम कार्यकर्ता थे, शिवसैनिक थे, उसी तरह से काम करते रहे ना। आदरणीय वंदनीय शिवसेना प्रमुख ने जो सामाजिक नीति का संस्कार किया था, समाज सेवा का संस्कार किया था, वो अखंड रूप से हम करते आए हैं, वो करते रहना। उसमें अगर कभी अधिकार की बात आती है, भाई सामाजिक सेवा करते समय भी अगर अधिकार आपके हाथ में है तो और अच्छी सेवा से कर सकते हो, तो वो उनके ध्यान में था और उसके लिए उनके आशीर्वाद से ही तो इधर तक पहुँचा हूँ मैं। विधायक रहा हूँ, मैं सांसद रहा हूँ, सारी चीज़ें उस आशीर्वाद से तो यहाँ तक आया हूँ। हम लोग आपके क्षेत्र में भी गए, बाणगंगा के इलाके में आपके साथ घूमे। आपने बताया कि ये इस बिल्डिंग में आग लगी तो आप पहुँचे थे वहाँ मिलने उन लोगों से, कितने लोग उसमें तबाह हो गए थे। तो लोगों को बड़ी उम्मीद जग जाती है जब एक सांसद एक्टिव होता है, तो अब लगता है कि उम्मीदें मंत्री बनने से और ज़्यादा हो गई, जिम्मेदारी बढ़ गई। प्राकृतिक से वो स्वाभाविक है ना, उम्मीदें बढ़ेगी और खरा उतरना भी है। जो काम एक तो तीन स्तर पर जो काम है वो समझ के लेनी चाहिए। महानगर पालिका के तहत कौन सी काम आते हैं, राज्य के सरकार के तहत कौन से आते हैं, केंद्र सरकार के, हम एक दूसरे से मिलजुल कर बात करके लोगों का समस्या का निराकरण करना है, बस वो काम हम करेंगे और करते रहेंगे। तो कुछ खास सर आपकी जो लगता हो कि एजेंडा के मंत्री बनने पर ये कुछ एक प्राथमिकताएं हैं जो पहले किया जाएंगी? ये प्राथमिकता क्या, अभी देश का मंत्री बना हूं तो देश की अखंडता, एकता, विकास, सबका साथ और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने जो किया अभी, सबका विश्वास, सभी को लेके जाना है। और वो काम सिर्फ चुनाव क्षेत्र का नहीं, अभी पूरा देश मेरा चुनाव क्षेत्र है, तो उसको सोचकर काम करना पड़ेगा और करता रहूँगा। चलिए सर, हमारी शुभकामनाएं, वक्त देने के लिए धन्यवाद। ये थे अरविंद सावंत, केंद्रीय मंत्री, जिनका कहना है कि पूरा देश अब उनके लिए जिम्मेदारी है और वो इसका निर्वहन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बखूबी करने का प्रयास करेंगे। दिल्ली से कैमरामैन प्रशांतो के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी।